मुझे दुकान में काफी अच्छा रेट मिल गया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ से तांडी से तकरीबन 300-350 किलोमीटर आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो भाई लोग हमको कुछ यहाँ हमारे सब्सक्राइबर मिले, कहाँ से आए भाई लोग? सो गाइस हम लोग पहुँच गए उदयपुर, ये छोटा सा विलेज है। ये देखो भाई, समझ रहे हो? वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम ओल्ड मनाली। तो आज हो गया है 1 मई सुबह का 8:15 और आज मैं चेकआउट कर रहा हूँ यंग मॉन्ग हॉस्टल से और यहाँ से निकल रहा हूँ अपनी नई जर्नी के लिए। तो नई जर्नी जो स्टार्ट हो रही है मनाली से, ओल्ड मनाली से किलोंग, उदयपुर और जिस्पा साइड के लिए। तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा प्लान क्या है। तो अभी सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे आपको टू व्हीलर रेंट पे लेना ताकि आपकी जर्नी मज़ेदार रहे। तो भाई सीन क्या है अभी कि 2-3 मैंने दुकानें देखी बाइक की, यहाँ पे बाइक और बुलेट मिल रही है। तो जो हिमालयन है वो आपको 1500 पर डे के हिसाब से मिल रही है, 1400 पर डे, और अगर ज़्यादा लंबा जा रहे हो तो 1200 तक, वो भी लॉन्ग वीक सब, मतलब यहाँ पे ना सीज़न के ऊपर डिपेंडेंट करता है। वैसे जनरल रेट 1000 हिमालयन का और बुलेट 800 की मिल रही है, और स्कूटी वही 500-600, और कोई अच्छी नई कंडीशन में है तो वो 900 भी बोल रहे हैं। तो वही है कि आज लॉन्ग वीकेंड है तो इसलिए रेट बढ़ गए हैं। तो मैं थोड़ी और दुकानें ट्राई कर रहा हूँ, कहीं पर अच्छा रेट मिल जाए तो वो लेके चलेंगे। तो गाइस ओल्ड मनाली में जो लोहे का पुल पार करके जो दो दुकानें पड़ती है ना, तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ ये एनफील्ड पॉइंट जो है। और अभी मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर जब भी सीज़न का टाइम है और लॉन्ग वीकेंड है तो सारी जगह बहुत महंगा है। मुझे दुकान में काफ़ी अच्छा रेट मिल गया है तो मैं यहीं से ले रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, यहाँ आपको भाई मिल जाएंगे। भाई क्या नाम आपका? विनय। विनय भाई मिल जाएंगे, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लो, मस्त एकदम ज़बरदस्त स्कूटी बाइक सब मिल जाएगी आपको, अभी बिल्कुल मस्त दामों में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के दिन लॉन्ग वीकेंड के दिन मुझे यहाँ सही रेट मिल रहे हैं, तो जेन्युइन रेट मिल रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है, जेन्युइन दुकान है। तो गाइस मैंने स्कूटी ले ली है रेंट पे और ऑल सेट हो गया है, हेलमेट पहन लिया है। अभी यहाँ से सीधे निकलते हैं उदयपुर की तरफ को, और बीच में अगर ब्रेकफास्ट लिए जगह मिलेगी अच्छी तो वहाँ पर रुकूंगा, बिकॉज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो अभी लेट भी हो गया, 10 बज गया है। सो गाइस तकरीबन 15-20 अरे 10 अब बज रहा है यार, मैं सोचा था 10 बज चुका है। 15-20 और ऊपर चढ़ने के बाद मैंने मनाली का जो मेन एरिया वो क्रॉस कर लिया ट्रैफिक भरा। तो अभी यहाँ पर एक ऐसे आउटलेट्स लगे होते हैं ना ये फास्ट फूड वगैरह के, तो यहाँ पर रुका हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैंने बनवाया है ब्रेड आमलेट और साथ में कुछ खाली चाय वाय पी लेंगे और फिर यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे, दबा के पेट भर के खा लेता हूँ। क्योंकि ये है ना कि यहाँ से फिर एक लंबा सफ़र है, अप्रॉक्स 100 चलानी है स्कूटी। सो गाइज ये जो आपको रोड दिख रही है जो राइट साइड को जा रही है, ये रोहतांग पास वाली रोड है, और अब ये जो लेफ्ट साइड को जा रही है ये है अटल टनल वाली रोड। बेसिकली जब अटल टनल बंद था तो यहीं से जाते थे रोहतांग पास होते हुए, तो अभी अटल टनल खुल गया है तो अटल टनल होते हुए जाएंगे। तो चलते हैं अटल टनल का, आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा। ये रोपवे है देखो सामने, सो गाइस अपनी गाड़ी से जाने का मजा यही है कि आप रुक रुक के आराम से फोटोग्राफी वगैरह करके जा सकते हो। जैसे कि मेरे पीछे देखोगे बहुत अमेजिंग व्यू देखने को मिल रहा है, और मैंने स्कूटी वहाँ खड़ी करी है सामने। तो धीरे धीरे जा रहा हूँ ऐसे ही, अभी पहले यहाँ से अटल टनल क्रॉस करके हम लोग पहले सीधे उदयपुर जाने वाले हैं। तो अटल टनल बस आने वाला है, अटल टनल से पहले ना जो ये फ्रेंडशिप पीक है ये वाला बहुत अमेजिंग व्यू आता है, ज़रूर यहाँ पर फोटो वोटो आप खींच सकते हो रुक के। तो गाइस अटल टनल मैंने क्रॉस कर ली है, और यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड को चले जाते हो तो ये कोकसर जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड को ये सिस्सू की साइड जाता है। तो हम लोग सिस्सू होते हुए निकलते हैं, थोड़ा सिस्सू तो पिछली वाली वीडियो में अगर आपने देखा तो सिस्सू वाटरफॉल का देख लेना। तो भाई लोग हमको कुछ यहाँ हमारे सब्सक्राइबर मिले, कहाँ से आए भाई लोग? दिल्ली से। ये सब दिल्ली से आए हुए हैं, कॉलेज ट्रिप में घूम रहे हैं। तो गाइस चलते चलते अब हम लोग सिस्सू पहुँच गए हैं। तो अगर आप लोगों ने सिस्सू वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे सिस्सू वाटरफॉल है, बहुत अमेजिंग है, अमेजिंग एक नंबर वाटरफॉल है। और प्लस यहाँ पे जो ये पेड़ दिख रहे हैं ना, ये जब आप पतझड़ के टाइम पर आओगे जब पत्तियाँ थोड़ी येल्लो ही हो जाती हैं, ऑरेंज टाइप की हो जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो काफ़ी फेमस है सिस्सू इसीलिए बहुत फेमस है। तो अभी यहाँ पे मैंने सोचा आपको बता दूँ, और अभी यहाँ से अब हम जाएंगे। पहले तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी है डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, और ये रहा हमारा रास्ता किलोंग की ओर। तो वैसे अगर आप लोगों को सिस्सू लेक में बोटिंग वगैरह करनी है तो बोटिंग वगैरह अवेलेबल है,
प्लस वो जो आपको वाटरफॉल दिख रहा है ना, वहाँ तक पूरा जाने का रास्ता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं वहाँ तक गया था, अगर आपको देखना है तो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइस, चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ टांडी। सो टांडी में यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हो। इवन यहाँ पे पानी भी दिया हुआ फिल्टर वाला, तो आप पीने का पानी भी भर सकते हो यहाँ से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से टांडी से तकरीबन 300-350 किलोमीटर आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो अगर आप इस रूट से आ रहे हो तो यहाँ पूरा टैंक फुल करा लो। तो मेरा तो मनाली में टैंक फुल था, तो अभी है पेट्रोल और मुझे ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं भरा रहा हूँ, आते वक्त भरवाऊंगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी सीधी करने के लिए रुका था, और वॉशरूम पानी वानी करके अब यहाँ से निकलता हूँ सीधे आगे की ओर। सो गाइस, टांडी से थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको दो रास्ते कटेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक सीधा चले जाता है। जो सीधा जाता है वो तो किलोंग को जाता है, और जो ऊपर की तरफ कटता है वो उदयपुर को जाता है। अब आप काफ़ी देर से सुन रहे हो यार, उदयपुर ये पागल हो गया कि हिमाचल प्रदेश से उदयपुर कहाँ जाने की बात कर रहा है। कई लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ कि एक उदयपुर हिमाचल प्रदेश में भी है, जो कि इस साइड पड़ता है जहाँ मैं आज रुकने वाला हूँ, और एक उदयपुर वो राजस्थान में दूसरा है। तो हम आज हिमाचल प्रदेश वाले उदयपुर की तरफ जाने वाले हैं, और जो ऊपर को रोड करते ही जो व्यू दिख रहा है ना यहाँ से, अमेजिंग व्यू दिख रहा था, पूरा वैली दिख रही है यहाँ से, और सामने पहाड़। तो मैं यहाँ पर रुक गया हूँ 2 मिनट थोड़ा व्यू का आनंद लेने के लिए। बहुत अमेजिंग जर्नी चल रही है, आप स्कूटी में आ सकते हो, प्रॉपर रोड है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फुल एकदम मस्त इन्जॉयमेंट। गाइस, चलते चलते हम लोग झलमा विलेज पहुंच गए हैं। ये रास्ते में पड़ता है, यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता होगा उदयपुर, और जो रोड है बहुत नैरो है, मतलब है प्रॉपर रोड, यहाँ पर ऑफ रोड नहीं है लेकिन नैरो है, एक दो छोटे छोटे पैच हैं ऑफ रोड के, बट बढ़िया है और अमेजिंग व्यू है, व्यूज वगैरह हैं, वैलीज हैं, और सही मतलब अच्छा जर्नी है। सो गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ से एक दो रोडें कट रही है, एक नीचे जा रही है, यहाँ पे तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद गेट बन रहा है। ये जाता है त्रिलोकीनाथ धाम के लिए, और ये जो जा रहा है ये सीधे 10 किलोमीटर आगे उदयपुर। अब सो गाइस, हम लोग पहुँच गए उदयपुर। ये एक छोटा सा विलेज है जो कि एक वैली के बीच में है, और यहाँ से जो बेस्ट पार्ट है, सामने जो माउंटेन्स दिख रहे हैं बहुत अमेजिंग लग रहे हैं, और यहाँ से तिरंगोट 22 किलोमीटर है इस रोड से ऊपर को, और यहाँ पे किलोंग्स कैम्स और भी लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं ज़रा एक्सप्लोर करता हूँ, पर होम स्टे वगैरह भी है बिल्कुल रोड के बगल में ही है, होम स्टे, एक नीलकंठ होम स्टे है, एक शर्मा होम स्टे है, एक एक करके जाके देखता हूँ क्या सीन है। कीलोंग कैंप्स, तो ये है भाई। तो भाई सीन ऐसा है, अभी आंटी से मैंने रेट वेट वगैरह पूछ तो लिए हैं, तो ऐसी 700-800 का बता रहे हैं। होम स्टे है लेकिन खाली रूम प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना वाना अलग से है, और रेट लग जाएंगे कह रहे हैं। बट आगे आंटी ने बताया एक मार्केट है, तो मैं सोच रहा हूँ मार्केट से ले जाऊँ एक बार, पहले खाना वाना भी खा लेंगे, वहाँ भी देख लेंगे क्या ऑप्शन है रहने का, और फिर देखते हैं। तो भाई लोग, तकरीबन 110 किलोमीटर की राइड करके मैं पहुँच गया हूँ यहाँ उदयपुर। तो अभी मैं उदयपुर की मार्केट में हूँ, वहाँ से थोड़ा सा और आगे आके मार्केट आ जाती है। तो बहुत सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो पहले सबसे पहले पेट पूजा करते हैं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, तो यहीं ढाबे में आ गया था, यहाँ पर पहले थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, फिर एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो यार यहाँ पे खाना वाना तो इकोनॉमिकली मिल जाता है, 100-200 रुपये में बढ़िया खाना मिल जाता है। प्लस एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ आपको, जब आप स्कूटी रेंट लेते हो ना, तो उससे पहले सारी कंडीशन प्रॉपर देख लो, और हो सके तो उसका वीडियो बना लो सारे नो सारे एजेस का। और मैंने स्कूटी इसीलिए चूज़ करी बिकॉज एक तो सस्ती है, ठीक है, और यहाँ पर रोड ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बाइक की ज़रूरत ऐसी सच लगी नहीं, और प्लस लगेज भी अच्छे तरीके से आ जाता है अगर आप अकेले हो, यही रीज़न था। और 500 में काम हो गया, कहाँ ज़रा 1500 की बात चल रही थी। सो गाइस, ये यहाँ की मार्केट, और यहाँ पे मैंने जहाँ पे खाना खा रहा था उससे जस्ट ऊपर एक होटल था, वहाँ पे मैंने रेट पता करे थे। अगर आपको सस्ता लेना है, सबसे सस्ता जुगाड़ चाहिए, तो वहाँ पे 300 रुपये का रूम मिल रहा है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वॉशरूम कॉमन है बस, बट 300 रुपये का एक रात जुगाड़ अगर रहना है तो। और अगर थोड़ा एक और ऑप्शन था उसमें ऊपर, वो कितना 500 रुपये का था, बट थोड़ा सा ऊपर था, चढ़ना पड़ा, 2-3 फ्लोर चढ़ने पड़े, लेकिन उसकी खिड़की से व्यूज नहीं थे बढ़िया, खिड़की भी छोटी सी थी। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ वहीं होम स्टे के पास, बिकॉज वहाँ से व्यू अच्छा है। 4-5 जगह देखने के बाद मैंने शर्मा होम स्टे फाइनल किया है,
क्यों किया है वो अभी आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। स्कूटी अंदर गेट के अंदर पार्क कर दी है प्रॉपर। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कमरे हैं और हर एक वैरायटी के हैं। आपको कॉमन वॉशरूम वाला चाहिए तो वो भी है, बट प्रॉपर्टी एकदम नहीं है तो सही है। तो चलता हूँ ऊपर और आपको दिखाता हूँ कि क्यों मैंने ये फाइनल किया। ये आई थिंक ये वाला शायद कॉमन वाला है जो पर्सनल रूम है। पर्सनल रूम्स ऊपर हैं कि क्यों मैंने सेलेक्ट किया रूम। ये देखो, ये देखो और ये देखो भाई, समझ रहे हो? ये एकमात्र व्यू है जो खिड़की से उठ के दिखने वाला है, इसलिए मैंने रूम सेलेक्ट किया है। तो भाई लोग कैसा लगा रूम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही इकोनॉमिक है, 500 रुपये की बार्गेनिंग कर करके 500 में आ गए थे। वैसे आंटी बोल रही थी कि अभी सीज़न के टाइम नहीं है, सीज़न के टाइम में 500 से 1000-1200 तक भी जाता है, बट ठीक है 500 रुपये का वर्थ है बिकॉज ऑफ दिस जो व्यू मैंने आपको दिखाया। तो मतलब उठने के साथ से व्यू दिखेगा ना, उसी का वर्थ है। तो प्लान ये है कि अभी मैं थोड़ा बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ। उसके बाद आज तो रात ही बितानी है, उसके अर्ली मॉर्निंग कल हम निकलेंगे त्रिलोकीनाथ के लिए। वहाँ पे एक और टेंपल है मैया का, वो दोनों टेंपल करने के बाद फिर हम सीधे जिस्पा चले जाएंगे। तो गाइस वीडियो वगैरह एडिट करने के बाद मैंने एक रील भी एडिट करके इंस्टाग्राम में डाल दी है। इंस्टाग्राम अगर आपने नहीं देखा है मेरा तो आपको आईडी यहाँ दिख रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी डिनर में बनाई है आंटी ने भिंडी दाल और रोटी। आंटी बड़ी स्वीट है यार, मतलब एक्चुअली यहाँ से ना मार्केट दूर है तो ये लोग जनरली बाहर से मंगा लेते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट करी आंटी को कि मुझे घर का खाना खाना है, तो आंटी ने अपने घर में खाना बना के मेरे को प्रोवाइड कर दिया है। तो बिग थम्स अप। तो आप इधर आओगे तो ज़रूर इसी होटल में आना है, मस्त है एकदम।